सालगिरह है, तो एक हिंदी अखबार का आयोजन है, हम हिंदी सिनेमा से जुड़े लोग हैं, मैं इसीलिए बॉलीवुड शब्द इस्तेमाल नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है हिंदी सिनेमा, तो उसमें हम भी कोई बात नहीं हिस्सा लेने आए हैं। हिंदी से संबंधित कोई कार्यक्रम है, एक हिंदी अखबार का आयोजन है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी और पेशेवर अभिनेता हैं हिंदी सिनेमा के, तो लगा कि दायित्व तो बनता है, हमें आना चाहिए। कुछ छिड़की भी होगी आपकी आवाज़ की, आपके साहित्य की जो आपने पढ़ा है? हाँ, मैं शायद एक आध कविता पढ़ूंगा, छोटी छोटी कविताएँ हैं, जी छोटी कविताएँ हैं, वो पढ़ूंगा मैं। केदारनाथ सिंह एक कवि हैं हिंदी के, वो पढ़ूँ, हो सकता है नागार्जुन की भी एक छोटी कविता पढ़ूँ। हाँ जी, ज़रूर बोल पाऊँगा। केदारनाथ जी की कविता है कि मैं लिखा हूँ, मुझे याद है, छोटी है बट फिर भी मैं देख लेता हूँ। मैं जा रही हूँ उसने कहा, मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खतरनाक क्रिया है। तो ऐसे तो कवि थे केदारनाथ जी कि मैं जा रही हूँ उसने कहा, मैंने कहा, मैंने उत्तर दिया, जाओ ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खतरनाक क्रिया है। यही है, थैंक यू। आई थिंक स्त्री आएगी अगले महीने, अगले महीने के अंत में आएगी स्त्री, शायद 31 अगस्त या क्या डेट मुझे याद नहीं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कुछ वेब सीरीज आएंगे और भी आएंगी, बहुत सारी फिल्में तय हैं, डेट्स मुझे किसी का पता नहीं है कब कौन आएगी। आप ही ऐसे भी नहीं था, फिल्में आती हैं एक साथ, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि 10 नहीं आए, 4 ही आए लेकिन अच्छी आए। और सर आपका एड भी आ गया, हाँ बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आपकी मन की भावना है जो आप मतलब पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में भी जिन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं उसी का जुड़ते हो, आपने ऐड भी किया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस ब्रांड से जुड़ूँ जिस ब्रांड से मैं भी कन्विंस रहूँ, या मुझे लगे कि ये ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी मुद्दा है, कि सामान बेचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, वही सामान बेचने में इच्छुक हूँ जो सामान मैं खुद खरीद सकता हूँ। श्रीमती जी भी काफ़ी प्रसन्न हुई होंगी आपकी ये देखकर? हाँ हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही शक्ल देख के प्रसन्न हो जाती है। ऐड क्या देखेंगे, थैंक यू, शुक्रिया। Good evening. Congratulations for the award. Thank you so much. Can you brief us about the award? ये जो अवार्ड है नव भारत टाइम्स से, मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी उनका, क्योंकि राजी के लिए मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। आई थिंक जब आपको एक ऐसी फिल्म के लिए अवार्ड मिलती है जो लोग इनिशियली समझते हैं कि ये थोड़ी सी रिस्की ऑफ बीट फिल्म है, देन यू फील वेरी नाइस बिकॉज दैट मीन्स कि लोगों को पसंद आई है और आगे जाके हम ऐसे और भी फिल्में कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इस अवार्ड की शुरुआत से आपने कल पूरे साल भर आपको अवार्ड मिलेंगे, आप इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस का अच्छा कलेक्शन रहा। थैंक यू सो मच। नहीं बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह का प्यार फिल्म को मिला है और जिस तरह की अप्रिसिएशन यू नो कहानी को मिली है, नथिंग बीट्स दैट। और क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल थे हम रिलीज को लेकर, नाउ दैट इट्स बीन फुली एक्सेप्टेड एंड लव्ड, आई फील वेरी रिलीव। जी हाँ, थोड़ी खराब। लास्ट क्वेश्चन, आगे 2018 ब्लॉकबस्टर होने वाली जो पिक्चर संजू है रिलीज हो चुकी है, काफी लोगों को पसंद, आपने देखी पर्सनली? हाँ जी जी, मैंने देखी, बहुत ही अच्छी लगी। इट इज अ फैंटास्टिक, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग फिल्म, यू नो इट इज आई थिंक फॉर माय इन माय टॉप 10 फिल्म्स में संजू इज हाई अप देयर। सारे परफॉर्मेंसेज, रणबीर इज आउटस्टैंडिंग, विक्की कौशल इज आउटस्टैंडिंग, परेश जी इज आल्सो अनबिलीवेबल। आई थिंक यू नो एवरीवन, सोना, अनुष्का, एक फुल पैकेज है। मैं राजू हिरानी की बहुत बड़ी फैन हूँ, सो व्हेनेवर हिज फिल्म्स कम आउट आई जस्ट वेट, एंड एवरी टाइम ही मैनेजेस टू जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट वी हैव राइट नाउ इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। थैंक यू, थैंक यू। शूटिंग फॉर ब्रह्मास्त्र, या नॉट नाउ, कलंक। बहुत अच्छा लग रहा है ये फंक्शन के NBD उत्सव में अक्टूबर के लिए मुझे एक पुरस्कार मिला है और बहुत अच्छा लगता है ये पुरस्कार मिलकर। अक्टूबर बहुत ही मायने रखता है मेरी जिंदगी में,
ये फिल्म ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था और उसके लिए पहली बार मुझे एक अवार्ड मिल रहा है और इसका पूरा श्रेय सुजीत सरकार और जूही चतुर्वेदी को। बहुत इनकरेजिंग है जब अक्टूबर जैसे फिल्मों को अवार्ड मिलता है, बहुत इनकरेजिंग है जब ऐसी फिल्मों को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट किया जाता है एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट्स वेरी नाइस कि कला को जगह मिल रही है। किस तरफ से जाना है या बाहर जाना है? हाँ जी बताइए। थैंक यू। नहीं, अच्छी बात है जब हमें ये पुरस्कार मिलते हैं, बहुत ही हमें इनकरेज करते हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नवभारत टाइम्स। एनबीटी उत्सव आज ने मुझे ये सम्मान दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। मैं बहुत ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत 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 इंजॉय किया फिल्म को। मुझे लग रहा है ब्लॉकबस्टर फिल्म है संजू, रणबीर कपूर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, बॉक्स ऑफिस पे और इन जनरल बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत ही इमोशनल कहानी है और संजय दत्त की ये जो कहानी, मैं चाहता हूँ कि देश भर में जो भी है वो सब जाके देखें। मुझे लग रहा है ये बहुत ही बड़ी बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने वाली है। मैं फिर से जाऊँगा देखने और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को एक बार देखें और बार बार जाके देखें, बहुत कमाल की पिक्चर बनी। 2.5 साल हो गए आप, मैं मतलब फैन जाना चाहूँगा, आप इतने सिलेक्टिव क्यों अपनी फिल्मों को लेके, अगला क्या आ रहा है? जी मेरी अगली फिल्म, आपने उम्दा काम किया, हम हक्के बक्के रह गए, बहुत चक्के रह गए। जी आपने भी हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है। मैं तो फ्री में करता हूँ। जी मुझे अवार्ड मिला द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट के लिए एंड अगेन थैंक यू सो मच NBT। बहुत मोटिवेटिंग होता है एक एक्टर के लिए जब आपके काम को प्यार दिया जाता है। 2.5 साल हुए हैं, 3 फिल्में की है, एक छोटा सा वेबकास्ट स्टंट भी किया है एंड सभी को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सो थैंक यू सो मच स्पेशली टू द ऑडियंस। अब आपको फैशन स्टाइल के लिए आपको मिलना चाहिए अवार्ड, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर एक्टिंग स्किल्स यू हैव ग्रोन एंड थैंक यू योरसेल्फ टू अनदर लेवल नाउ। आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर टू इवॉल्व विद टाइम और मेरे साथ भी वही हुआ, जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने आप उम्र में बढ़ते हैं, मच्योर होते हैं, वैसी काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती है, सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस दैट आई एम फॉलोइंग। जैसे अर्जुन ने कहा था, अभी बताया, वेब सीरीज में भी आपकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है, काफ़ी मतलब किस किस क्या प्रेरणा थी आपकी जो आपने ये रोल की तरफ बढ़ी आप? जी मेरे लिए, मैं जोया की बहुत ही बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेन रीज़न तो वही था कि मुझे जोया के साथ काम करना था। 20 मिनट की छोटी सी फिल्म थी और बतौर एक्टर मुझे मज़ा आया वो स्क्रिप्ट पढ़ के, तो लगा कि एक चैलेंज है और मैं हमेशा चैलेंजेस ढूंढती हूँ। अर्जुन पूछे थे इतनी कम फिल्में क्यों करती हो, क्योंकि उतने ही कम चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, तो जब चैलेंज आएगा तब। आपका देश में तो रहती ना, बाहर रहती है, एयरपोर्ट में दिख जाती है एक दो बार, बाकी तो वो आपने एक सुशांत के साथ भी फिल्म जी 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 सोन चिड़िया वो खत्म हो गई है, चौबे है उनकी डायरेक्टर एंड अभिषेक चौबे सो इज एज डायरेक्टर सोन चिड़िया जी 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 मेरे दोस्त भी हैं यशराज टैलेंट होने के अलावा, पर हाँ sorry yes yeah भी देख ले तो कभी तुम्हें बड़ा कैमरा लुक पड़ा या अच्छा अच्छा बोलिए कौन चुड़िया खत्म हुई, आप उसके बाद एक और बताइए ना आप फिल्म के बारे में। नहीं सुमित जी, थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। मैं बताऊंगी बहुत ही जल्द, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होंगी, लेकिन मैं कभी अपनी फिल्मों के बारे में अनाउंसमेंट के पहले बात नहीं करती, तो जल्द ही। आई वुड लव फॉर हर टू बी इन फिल्म्स बिकॉज आई थिंक शी इज़ एक्सट्रीमली प्रिटी, हम सब बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है एक दूसरे से हमारे परिवार में, बट शी इज़ अ लॉयर एंड अ वेरी ब्राइट वन, सो इफ एनीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर टू हायर वन यू कैन डू। एंड
Yes, I'm very excited to watch the film. I mean, सबकी बहुत ही ज़्यादा hopes हैं film से और जो मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया film है, बहुत ही उम्दा film है and I can't wait to watch it. I'm a big fan of everybody involved in the film. एक बात तो माननी पड़ेगी, अर्जुन is a fantastic person. यानी मतलब कितने मतलब पूरी industry के लिए पूरा सोचते, मतलब सिर्फ एक इंसान के लिए अपने लिए वो नहीं सोचते, मतलब कितने पेशेंट हमेशा हमने देखा है कि वो दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं अपना. जी तो ये सवाल है, आप ये स्टेटमेंट पूछ रहे, कंफ्यूज हूं मैं इसमें क्या ऐड करूं. अरे रुलाएगा पगला, आखिर तक मैं ही रुका हूं. अर्जुन मैं रियली अप्रिशिएट आप कितना संयम है आपका, ये दूसरों के लिए सोचते हैं ना, दिस इज कमेंडेबल. नहीं यार वो क्या बोलते हैं, कलाकार होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी है भूमि, तो वेट करना फर्ज बनता है. पूछिए. बधाई आपको इस अवार्ड के लिए. थैंक यू. कुछ प्रकाश डालें, क्या अवार्ड था और क्या कहना चाहेंगे? मुझे एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है इस बार और खुश हूँ. जैसे मैं स्टेज पे कह रहा था, रिवॉर्ड तो बहुत मिलता है, अवार्ड कई बार कम मिलते हैं, तो जब अवार्ड मिलता है तो लोगों को शुक्रिया अदा कहने का मौका मिलता है. अवार्ड्स मायने मेरे लिए ज़्यादा इसीलिए रख पाते हैं. नहीं नहीं ले लो फोटो यार, बाद में बात पूरे रात खड़े रहेंगे बात करने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो. अरे टाइम पास करो, चलो कितना डरते हो. तो मुझे इस बार एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है. बतौर एक्टर जब एंटरटेनर बुलाया जाता है तो अच्छा लगता है, बिकॉज यानी कि आपकी कला हर जगह फैल रही है, हर तरीके से आप लोगों को खुश कर रहे हो, ना कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी, होस्ट करते हुए, इवेंट्स करते हुए, हर तरीके से एक एंटरटेनर को आज के ज़माने पे सोशल मीडिया पे लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है. सो यू फील हैप्पी दैट यू आर कनेक्टिंग विद पीपल एंड पीपल आर अवॉर्डिंग यू फॉर कीपिंग देम स्माइलिंग. आज के ज़माने में जब अपनी निजी ज़िंदगी को भूल के दो पल के लिए अगर मैं लोगों को खुश कर सकूँ, उनको एंटरटेन कर सकूँ, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे एंटरटेनर बुलाया जाता है. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई कंसिडर एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. काफ़ी मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन रहा है आपका इस बार, और आपकी दादी ने गिफ्ट की जगह सवाल भेजा. हाँ दादी ने क्या परेड कर दी और इतने स्वीटली लिखा कि मुझसे रहा नहीं गया. मैंने कहा कि ये तो फर्ज बनता है मेरा कि मैं डालूँ. तो उन्होंने जो सवाल पूछा है, मेरी पूरी फैमिली काफ़ी दिनों से पूछना चाह रही थी, उनके जरिए अब बाहर आ चुका है. आप सब भी काफ़ी बार पूछ चुके हो, उसका जब जवाब होगा मेरे पास मैं निसंकोच आप सबके सामने रख दूंगा, बिकॉज आई थिंक वो बहुत ज़रूरी पल होगा मेरी जिंदगी का, एंड आई वुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑल अलॉन्ग विद माई फैमिली. बट इस समय वो समय नहीं है. आई थिंक अभी हाल ही में दो घर बसे हैं हमारी हमारे खानदान में. मेरी बहन भी है अंशुला, अभी मैं जाता हूँ, रिया है, जानवी खुशी है, तो बहुत टाइम है. मैं जब मेरा सही समय होगा ज़रूर आई बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और मैं आपको इतला ज़रूर कर दूंगा, आप सबको कर दूंगा. फिक्र मत, एक रिक्वेस्ट थी, जब भी करें बता के करिए, वरना हम लोगों को बिल्कुल आदत हो गई. नहीं नहीं मैं आपके 9 बजे की रात में 8:30 बजे हुई है, मुझे जैसे ही पता लगेगा आपको पर्सनली फ़ोन करूँगा. सुमित जी आप फिक्र मत कीजिए. मैं देखिए ये चीज़ मैं छुपाना नहीं पसंद करूँगा, बिकॉज इस बार जैसे सोनम की शादी हुई थी, तो आई थिंक आप सब फैमिली की तरह हमारे हमारे सेलिब्रेशन में मौजूद थे, और मैं चाहूँगा कि वैसे ही सिलसिला चलते रहे. धड़क जी धड़क अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं जी, एवरीवन इज लविंग जानवी आल्सो, हर बिहेवियर द वे शी इज ट्रीटिंग एवरीवन जी, दैट इज दैट कम्स रियली एज अ प्रेजेंट जेस्चर फ्रॉम हर साइड. यार आई थिंक जानवी ईशान दोनों को इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, रिएक्शन अच्छा है ट्रेलर का, उसका कहीं ना कहीं एक फिल्म का एक टेक्सचर है जो लोग पसंद कर रहे हैं, उसका श्रेय करण और शशांक को जाना चाहिए. पहली बात तो दे आर टू वेल ब्रॉट अप किड्स, आप देख सकते हैं. तो व्हेन यू आर वेल ब्रॉट अप, जिस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं पब्लिकली जब आप पहली बार जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छवि आपको आपके अपब्रिंगिंग की दिखाई देती है लोगों को. सो Not only Janvi, I feel Ishan is also somebody who is very well behaved. He's been around for the last 6-8 months aap sab ke saath. Bahut energetic ladka hai, bahut talented lagta hai. Of course Janvi ki main bahut baat kar chuka hu, bas itna kahunga ki jis tarah logon ne use saraya hai, I hope trailer ke baad jo pyar mila hai wo film ke baad usse dugna tigna mile. Because eventually main manta hu industry ko actors ki zarurat hai. She looks like somebody who is very passionate. Jo maine baatein ki hain usse haal hi mein aisa lagta hai ki wo तहे दिल से लोगों का मनोरंजन करना चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है. तो अगर उसको प्यार मिलेगा तो वो अच्छा काम करते जाएगी और आप सबका एंटरटेनमेंट करती जाएगी. और मैं उम्मीद करता हूँ कि शी आउटडज द एक्सपेक्टेशंस दैट आर बेस्टोड अपॉन हर ऑन द इन धड़क. मैं नहीं देख पाया यार, आईफा में थे, फिर उसके बाद जन्मदिन था मेरा, आज ये इवेंट था, तो देख नहीं पाया हूँ.
रणबीर से मिला था कुछ दिन पहले जब हम आईफा पे थे, तो आई एम वेरी हैप्पी आई थिंक विद द ओपनिंग द वेटेस्ट टुडे, जिस तरह फिल्म को प्यार मिल रहा है, ट्रेलर का रिएक्शन जो था आज, ओपनिंग का रिएक्शन, तो आई थिंक इंडस्ट्री में जो फीडबैक आया है, रिव्यूज आए हैं, आई थिंक द फिल्म इज हेडिंग टुवर्ड्स डूइंग मैग्निफिसेंट बिजनेस. इट विल बी अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस फॉर रणबीर एंड अ माइलस्टोन इन हिज करियर, विकीज करियर. राजू सर ऑफ कोर्स इज फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, एंड आई थिंक जिस तरह का साल रहा है, फिल्में खरी नहीं खरी उतरी है और उससे ज़्यादा बखूबी निभा पाई हैं, तो आई थिंक संजू विल कंटिन्यू दैट ट्रेंड एंड दैट्स वेरी गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. जी 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 obviously I mean that goes without saying. I think it would be silly to assume that he wouldn't be emotional, so I think that goes without saying. चलिए आखिरी सवाल पूछिए, आप जाने तो देंगे नहीं, आपने सबको रोक दिया, ऐसे पूछिए. अर्जुन, आने वाले साल से अपेक्षाएं? अब आने वाला साल मेरे लिए नमस्ते इंग्लैंड आने वाली है, अक्टूबर में दशहरा में लग रही है परिणीति के साथ, उसके बाद दिबाकर सर की फिल्म आ रही है संदीप और पिंकी फरार, फिर इंडियाज मोस्ट वांटेड आने वाली है, फिर पानीपत आने वाली है, तो इस बार चार चार लगातार आने वाली है मेरी फिल्में. उम्मीद करता हूं कि जितना मुझे प्यार पिछले 7 साल में मिला है, उतनी ये 4 फिल्मों को उससे दुगना तिगना मिले, तो इट्स एन एक्साइटिंग ईयर फॉर मी. 2 फिल्में ख़त्म कर चुका हूं, अभी इंडियाज मोस्ट वांटेड अगस्त में शुरू करूंगा, जो राजकुमार गुप्ता की फिल्म है. सो अच्छा साल है मेरे लिए, आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड, अलग अलग फिल्में कर रहा हूं और आप सबसे मिलता रहूंगा और साल भर बातें करेंगे, तो देखेंगे साल कैसा गुजरता है. थैंक यू. कहाँ आपके खा रहे? हाँ हाँ आ जाएंगे. चलिए.